हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शन के लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत है। तो आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे बुद्धिस केव्स। सो इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में बुद्धिस मोनेस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, तो उसको भी एक बार प्लीज आप देख लीजिएगा। तो अभी तक जितने भी वीडियोज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोज को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज में हम जो हिस्ट्री ऑप्शन के जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, अलग अलग स्टेट के पीसीएस हो, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी हम पिछले 20 सालों के यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन में, उसको भी सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ही ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, तो मेरा जो ई बुक है वहाँ पे बुद्धिस्ट केव साइट की जो हिस्ट्री में और भी डिटेल तरीके से लिखा गया है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद भी आप प्लीज़ उस ई बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, और जो आपके एंशेंट इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे हम बुद्धिस्ट केव साइट से रिलेटेड। तो इंडिया में जो बुद्धिस्ट केव साइट्स है वो एक पार्ट है इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का। तो ये आपके सोर्सेस के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या फिर कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखा जाए, इंडिया में लगभग 1500 से भी ज़्यादा ऐसे रॉक कट आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर मिले हैं, उनमें से 1000 जो है बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के द्वारा बनवाए गए थे 200 BC से लेके 600 CE तक। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ग्लोबल इम्पोर्टेंस को दर्शाती है, और बहुत सारे बाद में जो केव्स बनवाए गए थे वो महानाया पीरियड जो है उसमें बनवाए गए थे। तो अगर बात करेंगे ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर भारत में, तो बराबर केव्स जो है बिहार में वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, 3rd century BC में इसको बनवाया गया था। तो अब तक देखिए कि UPSC या अलग अलग PCS या फिर जो टेस्ट सीरीज में जो बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स के ऊपर जो भी प्रश्न आए हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और उन सबको यहाँ पे हम लोग साइड कर रहे हैं। तो मेजरली आपको जो है अलग अलग जगहों पे भी मिल जाएगी, नॉट ओनली यहाँ पे साउथ वेस्ट में, अलग अलग जगहों पे मिलेगी, लेकिन जो भी यहाँ पे प्रश्न हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं साउदर्न या वेस्टर्न पार्ट में ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो नंबर 1 जो है यहाँ पे भाजा केव्स महाराष्ट्र में ही है, काफ़ी जगह पे यहाँ पे लोकेटेड है एक साइड, तो एक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 2 जो है बाघा केव्स मध्य प्रदेश में है, अजंता केव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है, देन जो कन्हेरी केव्स जो है मुंबई के आसपास लोकेटेड है, यहाँ पे करला बुद्धा केव्स भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट केव्स आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। थनाले केव्स भी जो है महाराष्ट्र पुणे के आसपास लोकेटेड है, खुदा केव्स भी देखिए आसपास ही लोकेटेड है यहाँ पे, पांडवा केव्स जो है कर्नाटका में लोकेटेड है, बेलम केव्स देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश के आसपास यहाँ पे लोकेटेड है, और जूनागढ़ बुद्धिस्ट केव्स जो है गुजरात में लोकेटेड है। तो इनको जो आपको मैप में डिटेल में जाके इसकी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और इन सब साइट्स के बारे में आपको मेरी ई बुक में डिटेल में मिल जाएंगी विथ इमेजेस, और इस ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाली है इस ई बुक। एक कॉम्प्रिहेंसिवली जब भी आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारी जैसे कि टेंडेंसी होती है कि इंटरनेट सोर्स से इधर उधर ढूंढते हैं, या फिर अलग अलग सोर्सेस से जो इतनी रिलायबल नहीं होती है, तो यहाँ पे एक ऐसी रिलायबल सोर्सेस की बहुत ज़रूरी होती है, और यही मेरी ई बुक करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो भाजा केव्स ये एक ग्रुप है 22 रॉक कट केव्स को, जिसको बनवाया गया था लगभग 2nd century BC, और ये लोकेटेड है पुणे में। तो ये इंस्क्रिप्शन है और केव टेम्पल है जो प्रोटेक्टेड है एज ए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली हिनायाना बुद्धिज्म जो सेट उससे बिलोंग करती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूपस भी है जिसकी काफ़ी सिग्निफिकेंट फीचर्स भी है।
तो मोस्ट प्रोमिनेंट इसकी एक्सकेवेशन जो की गई थी चैत्या या फिर चैत्या ग्रह जो केव नंबर 12 से रिलेटेड है। तो आज भाजा केव देखने में कुछ ऐसी दिखेगी, अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी लगेगी। नेक जो है बाघ केव्स यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो ये बाघ केव जो है ग्रुप ऑफ 9 रॉक कट मोनूमेंट्स है। तो मेनली ये देखिए बिंधाज ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये अपनी जो म्यूरियल पेंटिंग्स के वजह से फेमस है। म्यूरियल पेंटिंग मतलब जो वॉल में की जाने वाली पेंटिंग है उनको म्यूरियल पेंटिंग बोलते हैं। तो ये बुद्धिस्ट इंस्पिरेशन है, इसमें 9 केव्स है और सिर्फ 5 ही अभी तक सर्वाइव है। तो इनमें सब जो है इनको विहारा बोला जाता है और इनमें जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है मॉन्ग जो है यहाँ पे एक क्वाड्रेंगुलर प्लान के हिसाब से उसको अरेंज किया गया था। तो बाघ केव्स जो है इसको क्वाइट किया गया था, इसको बनवाया गया था 5 से लेकर 6 सेंचुरी AD और लास्ट में जो है ये बुद्धिज्म जो है इंडिया में आते आते जो है ये लास्ट टाइम ऑफ बुद्धिज्म के टाइम इसको बनवाया गया था। तो आज के जमाने में बाघ केव्स कुछ ऐसी दिखेगी। अजंता केव्स, डेफिनेटली हम लोग अजंता के बारे में आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, काफी सुना भी होगा। तो अजंता केव्स के बारे में पूछा गया था 2019, 2018 और 2002 में। तो इसको आप लोग को पढ़ना ही है, नॉट ओनली फ्रॉम बुद्धिस्ट केव्स के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी अजंता केव्स की जो आर्ट एंड कल्चर की सिग्निफिकेंस आपको पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट केव्स ऑफ अजंता लगभग 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट है जो बनवाया गया था लगभग 2nd century BC से लेके 480 CE औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। तो इसमें जो पेंटिंग्स है काफ़ी चर्चे में आती है और इसके जो रॉक कट स्कल्पचर है तो इसको अभी भी जो है एंशियंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसको सराहा जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इन केव्स को एक्चुअली 2 फेजेस में बनवाया गया था। तो पहले बनवाया गया था 2nd century BC में और सेकेंड टाइम इसको जो बनवाया गया था 400 से लेके 650 CE में। तो 1983 में अजंता केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आज के जमाने में अगर अजंता केव्स देखेंगे आप कुछ इस प्रकार दिखेगी। अजंता केव्स के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन मेरी ई-बुक में आपको मिल जाएगी। नेक जो है कन्हेरी केव्स 2014 में इसको पूछा गया था। तो कन्हेरी केव्स एक ग्रुप ऑफ केव्स है एंड रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है और मेनली यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क के फॉरेस्ट के आसपास इसको आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये केव कॉम्प्लेक्स जो है इसमें टोटल 109 केव्स मौजूद है। तो हर केव यहाँ पे एक जो स्टोन प्लिंथ है एज ए बेड के ऊपर इसको बनवाया गया था। तो इसको बनवाया गया था लगभग 1st century में और बाद में ये एक बुद्धिस्ट सेटलमेंट बना था द कोंकण कोस्ट बाय 3rd century CE। तो कन्हेरी केव्स दिखने में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, कितना बड़ा विशाल केव है देख सकते हैं आप। करलदा केव्स जो है ये एक केव कॉम्प्लेक्स है एंशियंट बुद्धिज्म और इंडियन रॉक कट केव्स जो लोनावला महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसके जो श्राइन्स है बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे ग्रेजुअली डेवलप हुई है, एक ही टाइम में नहीं हुई थी। ये लगभग 2nd century BC से लेके 5th century CE यानी कि 700 साल लग गए थे इसको बनवा के डेवलप करने में। तो इनमें सबसे ओल्डेस्ट जो केव श्राइन्स है माना जाता है 160 BCE का। तो ये ग्रुप ऑफ जो करला है ये काफ़ी ओल्डर है यहाँ पे और स्मॉलर रॉक कट बुद्धिस्ट साइट के हिसाब से महाराष्ट्र में इसको माना जाता है। तो करला केव्स को आप जब देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से इसको बनवाया गया था। तो देख सकते हैं इतनी खूबसूरती से जैसे कि कोई तराशा हुआ है, बहुत ही एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर में। पांडवा केव्स ये लोकेटेड है मंजुनाथ टेम्पल इन मैंगलोर कर्नाटका के आसपास। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उनको जो करंट टेम्पल है यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से रिलेटेड उसका नाम है कंदरिका विहारा। तो इसमें एक श्राइन है जो बुद्धिस्ट इमेज भी यहाँ पे दिखने को मिलती है और यहाँ पे जो ये टेम्पल में जो काफ़ी सारे सेंटर्स फॉर बुद्धिज्म लर्निंग एंड पिलग्रिमेज
ये एग्जिस्ट करती थी लगभग 11th सेंचुरी AD तक। तो यहाँ पे तांत्रिक जो बुद्धिज्म से रिलेटेड काफ़ी डॉक्ट्रिन के ऊपर भी रिसर्च होती थी, और यहाँ पे बुद्धिस्ट, यहाँ पे कहा जाता है कि शिलिंगा और जो बुद्धिस्ट सत्व है इन्होंने भी यहाँ पे वॉरशिप की थी, और ये बुद्धिस्ट टेम्पल बाद में जो है शैवाइत यानी कि जो शिव टेम्पल में कन्वर्ट हो चुका था। तो आज के ज़माने में पांडव केव्स दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। तो ये था हम लोग का एनालिसिस रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट केव्स। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न एज यूजल कैटेगरीज के हिसाब से जब पूछे जाएंगे, बुद्धिस्ट केव्स के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, केव आर्किटेक्चर के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। तो आपको पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए एक्यूरेटली, दूसरी बात साइट्स के डिटेल आपको पता होनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरी बुक आपको खुद बहुत ज़्यादा मदद करेगी। लेकिन फिर भी मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप खुद से भी थोड़ी प्रैक्टिस, खुद से भी थोड़ी मेहनत कीजिएगा। ये सारे साइट्स अगर देखा जाए सिस्टमेटिक वे में, आप अगर प्रैक्टिस करते रहें, ये एक दिन की बात नहीं है कि एक मैं 1 वीक ले लूँगा सब पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होता, ये ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो इसको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करती रहेगा, ये आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे हिस्ट्री ऑप्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।